चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नए पेड़ पौधों की वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं एक और ऐसा जंगली जड़ी बूटी वाला व जंगली भाजी वाला पौधा जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। दोस्तों, आप जो यह चने के जैसा पौधा देख रहे हैं, इस पौधे का नाम गोखरू है। और दोस्तों, इस पौधे को अंग्रेजी में पंचर वाइन या कैलट्रॉप के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस पौधे का वानस्पतिक नाम ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस है, जो कि जायगोफिलेसी या कैलट्रॉप परिवार का पौधा है। दोस्तों, इस पौधे को अलग अलग भाषाओं में और अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे हिंदी में गोखरू, गुड़खुल, गोखुर, संस्कृत में बहुकंटक, चित्रकंटक, गोखुर, गोछुर, पदन्यास, स्वादुकंटक, त्रिकंटक, राजस्थान में छोटा गोखरू, गोखरू, उर्दू में भी इसे गोखरू के नाम से जानते हैं, पंजाबी में गोखरू, लोटक, पाकरा, पंगरा, मराठी में गोखरू, कांटे गोखरू, गोछुर, लहान गोखरू, सरंटा, गुजराती में बेथा गोखरू, गोखरू, मीठा गोखरू, कन्नड़ में नेरीगिलू, सना नेगिलू, उड़िया भाषा में कंटक फला, स्वादुकंटक, त्रिकांता, तमिल में अक्किलू, अक्किनी, नेरुंची, तेलुगु में पल्लेरू आदि नाम से इस पौधे को जाना जाता है। दोस्तों, इस पौधे की पत्तियां चने की छोटी पत्तियों की तरह होती हैं और दोस्तों बहुत से लोग इन पत्तियों की सब्जी बनाकर खाना बहुत पसंद करते हैं, जिसके कारण बहुत सी अलग अलग जगहों पर लोग गोखरू की खेती भी करते हैं। दोस्तों, गोखरू की खेती करने से भाजी के साथ साथ गोखरू का फल भी प्राप्त होता है और इस फल को अनेकों प्रकार की जड़ी बूटी बनाने के काम में लिया जाता है। दोस्तों, इस पौधे के फूल छोटे और हल्के पीले हरे रंग के होते हैं, जो 5 पंखुड़ी वाले होते हैं। दोस्तों, इस पौधे का तना सख्त और लाल रंग का होता है और इस तने में बहुत सी टहनियां निकली हुई होती हैं, जो जमीन पर काफी दूर तक फैली हुई होती हैं। दोस्तों, इस पौधे में चने के आकार के कंटक युक्त यानी कांटेदार फल लगते हैं, जिसके बीज बाजार में गोखरू के नाम से मिलते हैं। और दोस्तों, उत्तर भारत में हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में जंगलों से लेकर बाजार में यह बहुत मिलता है। दोस्तों, इस पौधे के फल सूखने के बाद बीज में बदल जाते हैं, जो कि कांटे युक्त होते हैं और इनका चूर्ण बनाकर बहुत से रोगों में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, यह पौधा भूमि पर फैलने वाला एक छोटा प्रसरणशील झूप या झाड़ी है, जो कि जून से लेकर अक्टूबर के महीनों में बलुई या पथरीली जमीन में खेतों, जंगलों, नहर नालों के किनारों पर और राजस्थान के पहाड़ी इलाकों या खाली स्थान में उगा हुआ देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, यह एक जंगली भाजी के साथ साथ एक जंगली औषधीय जड़ी बूटी वाला पौधा भी है, जिसको अनेकों प्रकार के रोगों को ठीक करने के लिए इस पौधे के तना, फूल, पत्तियां, बीज, टहनियां और जड़ आदि सभी को आयुर्वेदिक औषधि बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, गोखरू एक ऐसी जड़ी बूटी है जो सदियों से मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुई है। दोस्तों, यह उन जड़ी बूटियों में से एक है जो वात, पित्त और कफ तीनों को नियंत्रित करने में सहायता करती है। दोस्तों, गोखरू की कई तरह की प्रजातियां होती हैं, जिनमें छोटा गोखरू और बड़ा गोखरू लगते हैं। और दोस्तों, इन प्रजातियों के फूल और पत्ते भी अलग अलग तरह के होते हैं। दोस्तों, इस पौधे की दूसरी प्रजाति का नाम तिलकुल है, जिसे बड़ा गोखरू के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, इसको अंग्रेजी में लार्ज कैलोट्रॉप कहते हैं। इसका वानस्पतिक नाम पेडालियम म्यूरेक्स है, जो कि पेडलियासी परिवार का पौधा है। दोस्तों, बड़े गोखरू के फलों का भी पहले छोटे गोखरू की तरह ही प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसके फल पर 4 कांटे से युक्त और आकार में पिरामिडीय शंकु जैसे होते हैं।
दोस्तों यह पौधा दक्षिण भारत के अलग अलग इलाकों या जगहों पर पाया जाता है, जैसे समुद्र तट, गुजरात, काठियावाड़ा और कोंकणी आदि। दोस्तों इस पौधे की कुछ जानकारियाँ डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, आप वहाँ भी जाकर चेक कर सकते हैं। और दोस्तों आप भी इस गोकुर के फल, फूल, तना, बीज, पत्तियों के बारे में और भी कुछ जानते हैं तो हमें बताना ना भूलें। और नए नए पेड़ पौधों के बारे में जानने और समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने परिवार वालों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।